आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, आपको शर्म नहीं आ रही? दिल्ली में क्या हालात है, आप ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ पर आके? बताओ हद है आप लोगों की? बिल्कुल, हम इस चीज को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, धर्म पे हमारा कोई आरोप नहीं है। हम आपसी सद्भाव की बातें करते हैं, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमें किसी धर्म पे नहीं, एक तबके का बचना ही धर्म है। आपकी बातों से हम सहमत नहीं है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये जो हालात बना है, ये तो जो 1400 वर्ष पहले जो इस्लाम का पैदाइश हुई, जन्म हुआ, उस समय इस्लाम नाम ही ये हालात है। और जब तक इस्लाम सिद्धांत रहेगा और का कुरान सिद्धांत और उससे निर्मित इस्लाम शब्द रहेगा, तब तक ये मिटने वाला नहीं है। मेरा कहना तो ये, देखो धर्म में जैसे कहते हैं कि वो कोई धर्म अगर कह रहा है काफिर, कुरान में मैंने जो सुना है, तो काफिर शब्द वो है जो वो कह रहे हैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ उसको जो धर्म को नहीं मानता। जैसे हिंदू हूँ मैं, मेरा नाम पवन त्यागी है, मैं मेरे धर्म का पालन नहीं करूँ तो शायद हिंदू धर्म भी यही कहेगा कि धर्म का पालन नहीं करने वाला पापी है। वहाँ पापी कह दिया, वहाँ काफिर कह दिया, ओम जी ये कह रहे शब्दों हैं। का फर्क है। ओम जी ये कह रहे हैं कि जब से इस्लाम आया है तब से ही ये हालात हैं और इन हालात का जिम्मेदार सिर्फ कुरान है बनाने के लिए ही। देखो देखो, दोनों में शब्दों का फर्क है, समझने में फर्क है। जैसे हिंदू भी कह रहा है कि धर्म का पालन नहीं करने वाला राक्षस है, हैं तो राक्षस माने उसको मारना है, वहाँ हत्या नहीं करना है, उसके विचारों को परिवर्तन करना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हिंदुओं में ब्राह्मण एक हुए बड़े विद्वान जिनका नाम रावण था। विद्वान हैं, पैसे वाले भी हैं, बहुत ज्ञाता भी हैं, लेकिन वो उनके कर्म गलत हो गए तो सारे समाज ने उनको राक्षस कहा, कोई अपना नाम रावण नहीं रखता। तो हिंदू धर्म में भी कहा है, अब उसको हर बार जलाते हैं उसके पुतले को, उसको मार ही दिया राम ने, छोड़ा तो नहीं। ओम जी आपके हिसाब से तो जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम वो तो फिर होना ही नहीं चाहिए। नहीं होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की तो पहचान वही है। ये देखिए एक बात, वो नहीं नहीं आप पहचान ही वही है तो पाकिस्तान क्यों बना? अच्छा आप बताओ क्यों बना? इसीलिए इसी सोच से पाकिस्तान मानव तो बना है। आप सहमत है जी ये वाली बात से? देखो ऐसे है, पाकिस्तान तो राजनीति ने बनाया। अगर दो की इच्छा थी कि हम दोनों प्रधानमंत्री बन जाएं, मकान एक चाहने वाले दो, इन्होंने जो बात की उस पर आपने गौर नहीं किया। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हो ही नहीं सकता। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं देखिए मैं करावल नगर एरिया में देख के आया हूँ, हिंदू बहुल एरिया, और वहाँ एक खान साहब हैं टीचर, गली नंबर 7 में आप जाइए करावल नगर में भजनपुरे पे, वहाँ उनको पूरे हिंदुओं ने 3 दिन से जाग जाग के उनके घर के बाहर पहरा दिया है, उनको मारने नहीं दिया। अब ये मुसलमानों ने भी कई जगह ऐसे मुसलमानों ने कई जगह किया है, बिल्कुल किया है। और देखिए जो लोग बोलते हैं दुकानों का नुकसान हुआ है, अभी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो भजनपुरा मेन चौक पे पेट्रोल पंप के बराबर में है, उस इंस्टीट्यूट में 20 छात्र थे, दंगाइयों ने आग लगाई, उनमें जो बच्चे थे ऊपर मुसलमान के भी थे और हिंदू के भी थे, आग लगाने वाले लगा गए, उनको ये थोड़ी पता कि यहाँ मुसलमान वाले बच्चे पहले निकाल लो फिर आग लगाओ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो दंगाई है उस वो तो एक ऐसा है जैसे उत्पाती हो गया, गाड़ी रोड पर टकरा गई तो मार पिटाई भी करने वाले हैं, कुछ लोग पुलिस को ही कॉल करते हैं। तो दंगा जो है वो करने के लिए कोई एक सोच नहीं है, जैसा नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ धर्म कोई नहीं कह, धर्म ही है। देखिए धर्म का कोई आप बुलाई नहीं है, सुनिए सुनिए, उस एरिया के जो मौलवी साहब हैं सुनिए, उन्होंने एक बार यहाँ पर रोकिए, देखिए ये जो बोल रहे हैं यह पढ़ा नहीं है गढ़ा है, इसीलिए बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ तो पहले बार सुनिए, पढ़ा नहीं गढ़ा है, मजहब ही सिखाता, कुत्ता कुत्ता नहीं लड़ता अगर उसके पीठ पे लड़ाने वाला ना हो। अच्छा कौन लड़ा कुत्ता? यह धर्म की ज्ञान लड़ाता है। अच्छा दिल्ली में कौन लड़ा रहा है धर्म का ज्ञान? दिल्ली में धर्म का ज्ञान कौन लड़ा रहा है? इस्लामिक ज्ञान। देखो दिल्ली में जो दंगा हुआ किसी मस्जिद के मौलवी साहब ने नहीं कहा, मस्जिदों से और मंदिरों से सर मैंने अपील होती सुनी है कि शांति व्यवस्था शांति बनाई है फिर किसी मस्जिद के मौलवी ने नहीं कहा, बल्कि उल्टा हुआ कि मस्जिद में हर शुक्र की नमाज को जुम्मे की नमाज के बाद ये कहा जाता है शांति रखो कोई दंगा नहीं करना। कल मस्जिद में नमाज हुई, उस समय मैं वहां था दोपहर को भजनपुरा में, वहां से यही तकरीर चल रही थी कि भैया नुकसान हुआ है, बहुत लोग कह रहे थे मौलवी साहब हमारा बहुत नुकसान हुआ, दुकान जला दी, पत्थर लगे हैं हमें, हमारा रिश्तेदार मार दिया,
वो कह रहे भैया घर शांति से जाइए, ये पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। तो धर्म के जो जानने वाले हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि तलवार हाथ में लो और जाओ। किसी का नहीं सिखाता, अब धर्म ही सिखाता। एक बात सुनो, एक बात सुनो, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, पहले बात सुनो, सुन लो। मानव एक ऐसी जाति है जिसको अगर कुत्ते के बीच पाल दिया जाए तो कुत्ते की तरह भूकेगा। हाँ ठीक है, बुझे ना। बकरी के बीच पाल दिया जाए तो बकरी की तरह बोलेगा, बुझे ना। और आदमी के बीच पालेगा अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी बोलेगा। इसे जाकर के 17-18-20 साल तक यही पढ़ाया जाता है कि इस्लामी बनो और तब काम करो। जब ही इस्लामी बना तो कट्टरता बनना ही तब इस्लाम है, तो मारना से ऊपर से जो बोलता है कुछ करो। जो मुसलमान मरे उनके लिए फिर क्या कहेंगे? वह तो मरना भी कहता है, जो मस्जिद इसके लिए जो मर गया उसको जन्नत मिल गया। देखो भाई, मुसलमान भी मरे। देखिए देखिए, जो धर्म है, मैं जितना जानता हूँ, मैं धर्म के बारे में कम जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ कि धर्म माने, धर्म का मतलब है जैसे सूरज का धर्म है रोशनी देना। वो जिस दिन रोशनी देना छोड़ देगा उसने धर्म का पालन छोड़ दिया। इसी तरह हिंदू हो या मुसलमान, वो धर्म क्या है? मस्जिद तो एक जगह है इबादत की, मंदिर एक इबादत की जगह है, वो दंगे की जगह नहीं है। और दोनों लोग जब कभी बैठेंगे तो वो दोनों कभी भी दंगे की बात नहीं करते हैं। ये दंगा करने वाले तो ऐसे हो गए जैसे प्रोफेशनल गुंडा, उसका काम ही गुंडागर्दी करना है। ओनर किलर होते हैं, वो पैसा लिया मारना उनका काम गोली है। इसी तरह पत्थर मारना, आग लगाना, ये काम कराया गया है किसी के द्वारा। प्रतिक्रिया में लोग खड़े हो गए, हुजूम खड़ा हो गया, दोनों तरफ से पत्थर चल गए। तो जो ओम जी कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं हो सकता, नहीं क्यों नहीं हो सकता? भाईचारा यदि नहीं होता सन 1947 से आज तक, हम सब लोग आपस में, देखिए मेरा मकान बना, मेरा और मकान क्यों बना? मकान बनने में तो है ही है, मेरा घर का, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरी कैब को एक मोहम्मदन बच्चा चलाता है और मैं उसको भेज रहा हूँ विश्वास के साथ। मेरे को कभी शंका नहीं हुई कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा, और चल रहा है सालों से। तो ये तो लोग भड़काते हैं तो वो काम होता है। उसको रोज़गार है, अपना ड्राइवर है, उसे पैसे चाहिए, इसी से काम है। इसी तरह जितने दुकान वाले हैं, व्यापारी हैं, मेरे घर, मेरे मकान बना, उसमें जो वेल्डिंग का काम किया, मेरे जो दरवाजे बनाए मोहम्मदनों ने बनाए, मैं हिंदू हूँ तो उनको अपना काम से मतलब है। किसी को हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, किसी को राजनीति, ये राजनीति लड़ाती है, धर्म जोड़ता है, ये कटु सत्य है। राजनीति इस देश में ख़त्म हो जाए तो झगड़ा ही ना होता।